हेलो दोस्तों, जब हमें कोई बीमारी लगती है तो शुरू में हमें उसके बारे में पता नहीं लगता या फिर हम उसको हल्के में ले लेते हैं। लेकिन जब परेशानी बढ़ती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, और जब बीमारी की गंभीरता का पता लगता है तो हम परेशान हो जाते हैं, टेंशन में चले जाते हैं और घबरा जाते हैं। आपको इन परेशानियों से बचाया जा सके, उसके लिए आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप अपनी आंखों को देखकर, अपने हाथों को देखकर और अपने चेहरे को देखकर पहचान सकते हैं कि आपको क्या बीमारी लगी है। चलिए शुरू करते हैं। चेहरे पर लाली, कान लाल होना, कनपट्टियों पर बोझ या दर्द होना हाई बीपी की निशानी है। होंठ के किनारे जख्म बनना और पककर खत्म हो जाना किसी बड़े फीवर के जाने की अलामत है। बुखार के वक्त बाईं गाल पर लाल धब्बे नजर आना फेफड़ों में जख्म होने की अलामत है। अगर किसी औरत के चेहरे पर उदासी हो, उम्र में बड़ी लग रही हो, तो बच्चेदानी की पुरानी बीमारी की निशानी है। होंठों पर वर्म होना लीवर में सूजन होने की अलामत है। होंठों पर गहरी चमकदार लाली फेफड़ों में जख्म की निशानी है। होंठ सफेद होना खून की कमी की निशानी है। होंठ का सूखना और उन पर पपड़ी की तह जमना पेट में सूजन की अलामत है। आंखों के सफेद हिस्से अगर मैले कुचैले दिखाई दें तो आंतों की सूजन की अलामत है। आंखों के सफेद हिस्से पीले हो जाएं तो यरकान यानी पीलिया की निशानी है। आंखें अंदर धंसना मणि यानी वीर्य का ज्यादा बहने की निशानी है। आंखों के सामने चिंगारियां महसूस होना हाई बीपी की निशानी है। आंखों के नीचे डार्क सर्कल, आंतों की सूजन, क्रोनिक फीवर, क्रोनिक टाइफाइड, व्हाइट डिस्चार्ज या जिरियान यानी धातु रोग की निशानी है। रोशनी से नफरत होना दिमाग की सूजन की अलामत है। आंखों के निचले पपोटे सूज गए हों तो गुर्दों के वर्म की निशानी है। नाक के दाईं तरफ जड़ में गाल पर दाना निकलना कब्ज की निशानी है। नाक के दाईं तरफ अंदरूनी हिस्से में दाना निकलना गठिया की निशानी है। पेट से कोई चीज उछलकर नाक की तरफ आए तो तेजाबियत की निशानी है। जबान पर सफेद तह जमना या सफेद दाने होना हाजमे की कमजोरी की निशानी है। जबान पर भूरी पीली तह चढ़ना टाइफाइड की निशानी है। मुंह खोलते ही बदबू आना डायबिटीज या मसूड़ों की बीमारी की निशानी है। जोरदार आवाज में सोते हुए खर्राटे लेना तबखीरे मैदा, पेट खराब रहना गैस प्रॉब्लम्स की निशानी है। हमेशा हाथ पांव ठंडे रहना लो बीपी, खून की कमी, सैलान या जिरियान यानी धातु रोग की निशानी है। नाखून और हाथ सफेद या पीले नजर आना खून की कमी की निशानी है। नाखून पर सफेद निशान होना कैल्शियम की कमी की निशानी है। नाखून पर हमेशा कट रहना गठिया की वजह से जॉइंट पेन की निशानी है। स्किन पर झुर्रिया नजर आना प्रोटीन की कमी की निशानी है। स्किन बेजान लगने लगे तो लूज मोशन या पेशाब ज्यादा आना की निशानी है। उंगलियों के बीच वाला हिस्सा गले रहना, कान के पीछे जख्मदार खुजली होना फंगस की निशानी है। सर में फुंसियां होना आंतों में सूजन की निशानी है। बुखार में सातवें दिन दाने निकल आना टाइफाइड की निशानी है। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसी तरह के हेल्थ से जुड़े और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें।